ब्राउन राइस की लाठाड़ रेडी है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? कल्पन्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक ट्रेडिशनल डिश के साथ। उसका नाम है लाठाड़। गोवा में उसको लाठाड़ बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। मेरी माँ उसको बनाती थी, उसी से मैंने ये स्वीट डिश सीखा है। आप उसको शेपू की सब्जी के साथ बना सकते हैं। चलो उसको क्या क्या लगता है हम देख लेते हैं। मैंने एक शेपू की जुड़ी ली है। ये सब्जी ऐसी दिखती है। मैंने उसको धोके अच्छी तरह से धोके एक कटोरी ली है छोटी। ब्राउन राइस मैंने लिए हैं। मैंने ओवरनाइट उसको सोख के रखा था, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो के लिया है। हल्दी लिया है, नमक लिया है, जीरा लिया है, गुड़ का पाउडर लिया है और ग्रेटेड कोकोनट लिया है। और ग्राइंड करने के लिए मैंने पानी लिया है। चावल ग्राइंड करते हैं, उसी से मैं शेपू की सब्जी डाल रही हूँ। मैं नमक भी उसी में डाल रही हूँ क्योंकि नमक अच्छी तरह से लग जाएगा। ये मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ। थोड़ा हल्दी डालूंगी मैं। कोकोनट डाल रही हूँ। बाकी का मैं बाद में ग्राइंड कर लूंगी। देखो पानी डाल रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। हमारा बैटर अब रेडी है। देखो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें हम गुड़ का पाउडर ऐड करेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अच्छी तरह से उसको मिक्स करके लेना है। मैंने स्टीमर स्टीम करने के लिए रखा है। मैंने 10 मिनट उसको स्टीम किया है। मैंने एक लोटा उसमें पानी डाला है। प्लेट को थोड़ा मैंने घी लगाया है। अभी बैटर हम उसमें डालेंगे। अभी मैं प्लेट स्टीमर में रखने जा रही हूँ। और गैस मैं तेज कर रही हूँ। 40 मिनट आप उसको स्टीम कर सकते हैं। अब उसको हम चेक करेंगे। एक चाकू की मदद से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये देखो हमारा लाठाड़ अभी बन चुका है। तो हम उसको गैस हम बंद करेंगे और उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है तो हम उसको कट करेंगे। आपको जो शेप चाहिए आप उसको कट कर सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।